Good evening, everybody. Welcome to our next class. So, start करते हैं class को, right? सो राइट हमारी थर्ड क्लास है. अगेन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ करंट अफेयर कर लेंगे. राइट, लास्ट क्लास में हमने अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या अचीवमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में अचीव की. राइट, सो हमने कल भी कुछ पढ़ी थी, आज भी हम कुछ पढ़ेंगे. राइट, तो जो उड़ान स्कीम है, अगर आपको पता होगा, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये. राइट, जो रीजन्स है हमारे, चाहे हिली रीजन है, ऐसे रीजन है जहां पे अभी तक जो एयरवे के थ्रू, राइट, एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वहां की कनेक्टिविटी के लिए ये उड़ान स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था. ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को का उद्घाटन किया था और शिमला से किया था. राइट, सो इसमें क्या हुआ है, अभी उड़ान का तीसरा सेशन आ गया है जिसमें अभी तक 28 अभी तक जो मतलब करंट डेस्टिनेशन थी वो 31 टूरिस्ट राउट्स थे जो ऑपरेशनलाइज थे. मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो, जो एयरपोर्ट थे ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी, जो रीजनल एयरपोर्ट्स है वो एस्टेब्लिश्ड है, बट उसमें कोई एक शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं चल रही है. राइट, और अगर वो क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव है कि जो वहां के रूलर लोग हैं वो अदर सरफेस ट्रेवल ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग सरफेस ट्रैवल ज्यादा पसंद करते हैं. राइट, तो इस स्कीम के अंडर क्या है, बेसिकली जो आम लोग हैं, एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक. राइट, उड़ान का. राइट, सो इट्स अ एब्रीवेशन. सो इसका मतलब क्या है कि जो एक आम इंसान है वो भी अफोर्ड कर सके एयरलाइन को. इस स्कीम का मेन पर्पज यही है. राइट, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है आम लोगों को जिनको एयर के थ्रू ट्रैवल करना होता है, तो उसके रेट ऑलमोस्ट सरफेस ट्रैवल के आसपास ही पड़ते हैं. तो इसका जो तीसरा सेशन, अभी तक जो दो सेशन था उसमें 31 डेस्टिनेशंस थी, 31 राउट्स थे. अब जो नया अभी 2022 के एंड तक आते आके 59 डेस्टिनेशंस हो गए हैं. राइट, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है, दैट इज इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट. राइट, तो इंडिया कोशिश करता है कि इंडिया ITM ऑर्गेनाइज करता है हर एवरी ईयर. राइट, और वो कोशिश करता है कि इसको हर साल डिफरेंट डिफरेंट रीजन में करवाए. कभी वो जम्मू कश्मीर में करवाता है, कभी मध्य प्रदेश में करवाता है. राइट, तो इस मोस्ट ऑफ टाइम ये नोएडा दिल्ली में होता है, बट इस टाइम का मतलब है कि 2022 में ये 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच हुआ और ये आइजोल में हुआ, जो कि आपको पता है मिजोरम की कैपिटल है. तो मतलब कहाँ हुआ, NER में हुआ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ. राइट, तो ये 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट था, और इसमें बेसिकली जो फोकस रहा वो किसके ऊपर रहा, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है, जो पोटेंशियल है वहां पर टूरिज्म का, उसके ऊपर इसमें प्रोडोमिनेंटली फोकस रहा. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 10th इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट था, एक चीज. और ये अभी कहाँ हुआ, ये हमारा आइजोल मिजोरम में हुआ, नवंबर के मंथ में हुआ. एंड ये कौन से रीजन के ऊपर इसका फोकस था, जो भी टूरिज्म पोटेंशियल रिसोर्सेज है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनके ऊपर, उनके शोकेस, उनको शोकेस किया गया वहां पे, उन पे उनसे रिलेटेड हुआ मतलब बेसिकली. राइट, सो अब नेक्स्ट आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर. सिलेबस हम थोड़ा क्विकली करेंगे. जो पहला टॉपिक हम करेंगे दैट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होते हैं. राइट, किसी भी डेस्टिनेशन पर, लास्ट में आपको याद होगा मैं सीजनैलिटी पढ़ा था, हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था. राइट, तो एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जब हम आगे पढ़ेंगे अभी इसमें सोशल की, एक जब एक टूरिज्म, जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब टूरिज्म किसी डेस्टिनेशन में इंट्रोड्यूस होता है तो उसको आप किसी एक डिसिप्लिन से नहीं देख सकते, उसके बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं. वो सोशियोलॉजी से आप उसको देख सकते हो कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा. राइट, आप उसको इकोनॉमिकली देख सकते हो कि भाई इकोनॉमी में क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए. राइट, और भी नेचुरल इन्वायरमेंट में हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, जो नेचुरल जो उनके अपने हेरिटेज है, हिस्ट्री है, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर, उसकी
की प्रोटेक्शन हो रही है कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है. तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो टूरिज्म के होते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर, राइट. बट अगर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है तो वो तीन तरह के हो सकते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट. फर्स्ट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, एंड थर्ड इज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट. राइट. सो बेसिक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे मैं दे रखा है कि अगर आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एग्जाम्पल ले लो कि आप एक होटल बिल्ड कर रहे हो, राइट. तो जो होटल बिल्ड आप कर रहे हो तो वो वहाँ जो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, उस सीमेंट की कॉस्ट, जो ये आपके सरिये की कॉस्ट हो गई, अदर लकड़ी की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उनकी कॉस्ट हो गई, और आपको पता है इतनी सारी चीजें उसमें लगती है, उन सब की जो कॉस्ट हो गई, वो जो सारी कॉस्ट है जब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है तो वो इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, राइट. तो वो चाहे नेशनल इकोनॉमी हो या रीजनल इकोनॉमी हो, तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है. दैट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट पड़ती है या डायरेक्ट पैसा जाता है इकोनॉमी में. फिर होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा कि सामान तो आपने डायरेक्टली ले लिया, बट आप अब आप जो सामान को लगा रहे हैं, उस कॉन्क्रीट जो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्टर लेकर आए हैं, तो वहां जो लेबर है, वो सारे लेबर चार्जेस जो हुई, उनकी जो सैलरी जानी है, उनकी जो वेजेस जाने हैं, वो सब कुछ किस में आ गया, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया, राइट. और जब वो लेबर मतलब ह्यूमन बेसिकली, जब कहीं भी आप ह्यूमन फोर्स यूज करते हो तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया आपका, राइट. अब जो वो लेबर जो है वो आगे जाके अपनी जरूरतों के लिए जब उस पैसे को खर्च करेगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इंड्यूस्ड इंपैक्ट हो जाएगा इकोनॉमी पर, राइट. तो ये टर्शरी, इंड्यूस्ड टर्शरी होता है, इनडायरेक्ट सेकेंडरी होता है, एंड जो डायरेक्ट होता है वो प्राइमरी होता है, राइट. बेसिक सा है. नेक्स्ट इसमें है कि ये मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होते हैं, राइट. इफ यू आर अ इकोनॉमिक स्टूडेंट तो आपको भली बात ही पता है कि क्या चीज होती है, बट हाँ ब्रीफली क्या हो गया, मैक्रो का मतलब होता है एक बहुत बड़ा रीजन, और माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत ही एक सूक्ष्म, बहुत छोटा सा रीजन, राइट. सो मैक्रो इकोनॉमी हो गई देश की जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अगर आपको लोन लेना है, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सब कुछ किसमें आ गया, मैक्रो, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है. अभी रिसेशन की बात हो रही है तो ग्लोबली रिसेशन की बात हो रही है, राइट. सो देश की जीडीपी की बात करते हैं तो पूरी कंट्री की जीडीपी की बात हो रही है, तो ये सब कुछ किसमें आया, मैक्रो में. और किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की भी बात हो रही है, तो वो किसी मतलब क्या है, एक माइक्रो माइक्रो सब्जेक्ट पे बात हो रही है, दैट वुड बी माइक्रो इकोनॉमी, दैट सिंपल. नेक्स्ट जो आपका है, दैट इज जो टूरिज्म है, उसके उसमें क्या क्या एलिमेंट रहते हैं, किस किस तरह के एलिमेंट रहते हैं उसमें, जो इंडस्ट्री है हमारी टूरिज्म में, उसमें किस किस तरह के एलिमेंट रहते हैं. तो एक होता है डायरेक्ट एलिमेंट. डायरेक्ट एलिमेंट आपको पता है जो टूरिज्म के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अट्रैक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्टिविटीज हो गया, अदर एक्सिलरी सर्विसेज हो गया, वो सब कुछ क्या है, वो डायरेक्ट एलिमेंट है, वो डायरेक्टली एसोसिएट है टूरिज्म के साथ, राइट. इनडायरेक्ट क्या हो गया, ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेसिकली क्या होती है, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो डायरेक्टली तो टूरिज्म से एसोसिएट नहीं है, लाइक बैंक्स हो गए, राइट. सो बैंक्स का यूज टूरिस्ट भी करेंगे, एटीएम है, तो अगर किसी डेस्टिनेशन पे एटीएम बना है तो उसका यूज रेजिडेंट्स भी कर रहे हैं और टूरिस्ट भी कर रहे हैं. तो जो एटीएम बना है वो प्रोडोमिनेंटली टूरिस्ट के लिए नहीं बना हुआ है, बना वो सबके लिए है, राइट. प्रोडोमिनेंटली वो रेजिडेंट्स के लिए बना हुआ है, वो आरओपी है, राइट. बट हाँ, वो उसे टूरिस्ट भी यूज कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उनको टूरिस्ट यूज कर रहे हैं, राइट. टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स है, तो अदर जितनी भी रोड है, एयरपोर्ट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये सब कुछ क्या, ये सारे स्पोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री के, राइट. नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है बिजनेस में, बेसिकली, राइट. टूरिज्म बिजनेस में तो आप इसको फिर खुद से एसोसिएट कर ही दोगे. सो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट तो आपने इसको जरूर पढ़ रखा होगा, बहुत सिंपल सी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. सो हॉरिजॉन्टल आपको पता है हॉरिजॉन्टली हो गया, और वर्टिकली आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो गया, राइट. सो जो आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मिलना, राइट. जब कोई दो कंपनी सेम ही काम कर रही होती है, किसी एक ही डोमेन में वो है, और कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को
एक्वायर कर लेती है या दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है, तो उस मर्जेंस को क्या कहते हैं या उस एक्विजिशन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक स्की बेस्ड टूर ऑपरेटर थे, राइट, जिनका काम था जब आपकी ये जो जिनके जिनका काम है विंटर स्पोर्ट्स के पैकेज बेचना, राइट। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मर्जेंस कर दी किसके साथ, एक ऐसी हॉलीडे कंपनी के साथ जो समर समर हॉलीडेज बेचती है, राइट। तो इससे क्या हुआ, दोनों एक ही लेवल का काम कर रहे थे, दोनों टूर पैकेज ही बेच रहे थे, बट उनके मर्जेंस से क्या हुआ, अब जो अभी दोनों कंपनीज के पास सीजनल का काम था, राइट, सीजनलिटी एक फैक्टर था उनके पास, समर हॉलीडे वाले समर में काम कर रहे थे, स्की बेस्ड टूर ऑपरेटर सर्दियों में काम कर रहे थे, अब उनके मर्जन से क्या हुआ, उनका जो बिजनेस था वो ब्रॉड हो गया, राइट, अब वो ऑल ओवर ईयर काम कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या हुआ, जब इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम लेवल पर होती है, राइट। सो इससे क्या होता है, इंडस्ट्री ग्रोथ हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। इससे क्या होता है, आपका कंपटीशन, एक तो आपका कंपटीशन खत्म हो गया, राइट, इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। एफिशिएंसी कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगेगा, एम्प्लॉयमेंट कम लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। इससे बेसिकली क्या हो, जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगेगा और लेबर कॉस्ट कम लगेगी, राइट, तो इससे क्या होगा, जब आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो बढ़ेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है बेसिकली, कि सपोज करो एक मशीन है, जो हजार मैं कहूं कि एक आपने केक बनाने की एक मशीन ले ली है बेसिकली, राइट। अब वो आपके ऊपर है कि आप उससे 100 केक बनाते हैं या 1000 केक बनाते हैं, राइट। तो आपकी सोचो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 100 केक पर निकल रही है, तो जो आप 100 के बाद जो भी केक बनाओगे उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रॉफिट बचेगा ना, उतनी कम कॉस्ट पड़ेगी आपको जितने ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ जाती है, आप ज्यादा कैप्चर, ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि हो सकता है जिसके साथ आपने मर्जेंस किया हो वो कंपनी एफिशिएंट ना हो, वो ढंग से ऑपरेट ना कर रही हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके ऊपर वो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। अब वो जो एक कंपनी वो कंपनी लॉस उठा रही है, तो वो आपको इंक्योर करना पड़ेगा, राइट, आपके प्रॉफिट को इंक्योर करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करने से पहले देखना पड़ता है कि क्या ये सुटेबल भी है, जिसके साथ इंटीग्रेशन हो रही है क्या वो सही भी है, राइट। नेक्स्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन इससे ऑपोजिट होती है, हॉरिजॉन्टल में था कि जो सिमिलर बिजनेस था वो अपने में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होगा कि एक, जैसे आपको थॉमस कुक इंडिया के बारे में पता है, तो वो एक टूर ऑपरेटर है, राइट, तो वो एक टूर ऑपरेटर भी है, तो उन्होंने क्या किया है कि अब टूर ऑपरेटर क्या करते हैं, वो अपने पैकेज को ट्रैवल एजेंसीज को बेच देते हैं, राइट, फिर ट्रैवल एजेंसीज आके कस्टमर्स को बेच देती है। बट थॉमस कुक इंडिया ने क्या किया, थॉमस कुक इंडिया ने किया कि उसने ट्रैवल एजेंसीज भी अपनी ही खरीद दी, जो मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रैवल एजेंसीज थी उनको एक्वायर कर दिया। तो इंडिया की जो भी फेमस इनबाउंड ट्रैवल एजेंसीज है, लाइक TCI, ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारी सीता हो गई, राइट, डिस्टेंट फ्रंटियर हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी एज ए इनबाउंड ट्रैवल एजेंसी। तो थॉमस कुक ने क्या किया, उन सबको ही एक्वायर कर दिया, राइट, तो अब टूर पैकेज भी खुद बना रहे हैं और कस्टमर्स को भी डायरेक्टली बेच रहे हैं। तो उन्होंने जो इंटीग्रेशन की वहां कंपनी की, उसको कौन सी इंटीग्रेशन हुई, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इट्स लाइक कि आप कहीं से रॉ मटेरियल ले रहे हो, राइट, एक प्रोडक्ट, एक प्रोड्यूसर है जो रॉ मटेरियल बना रहा है, आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी एक फिनिश प्रोडक्ट में, राइट, तो अगर वो फिनिश प्रोडक्ट की कंपनी उस पर, जो कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनी रॉ मटेरियल बना रही है उसको एक्वायर कर दे, या ऑपोजिट हो जाए, जो रॉ मटेरियल बना रही है कंपनी वही फिनिश प्रोडक्ट वाली कंपनी को एक्वायर कर दे, तो मतलब दोनों का अलग अलग काम था। उन दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जब इंटीग्रेशन होती है उसको कहते हैं हम वर्टिकल इंटीग्रेशन। हो गया, आपको समझ आया होगा। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जस्ट अभी चैट में लिख लो, मैं आपको फिर ज्यादा डिटेल से पढ़ा दूंगा। मैं अभी इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ कि मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि ये एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, राइट। आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो इनका फायदा क्या हुआ, अगेन आपका
अब आपका जो ये प्राइस की एक फाइट थी, रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूसर थे उनको था कि उनका उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, राइट। बीच में जो मिडिल मैन था उसको था कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, राइट। आप प्रोड्यूसर्स थे, आपका था कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, तो आप तीनों आपस में ही लड़ रहे थे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। जब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई, सब कुछ किसी एक ही बिजनेस का आ गया, तो क्या हुआ उससे उससे अब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है सबका एक ही मोटिव हो गया, सारे तीनों ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया अचीव करने के लिए। तो ये वाला जो कंपटीशन था, इंटरनल जो कंपटीशन था, वो खत्म हो गया। तो जब इंटरनल कंपटीशन खत्म हो गया, तो वो ज्यादा एक्सटर्नल कंपटीशन के लिए कंपनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, राइट। अदर ये डिटेल से आपको बेनिफिट से आप इसे खुद से पढ़ सकते हो, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हुई? एक तो वही डिसएडवांटेजेस होगी कि अगर आपके प्रोड्यूसर, आपने कोई ऐसा एक्वायर कर दिया जो अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है चीजों को, राइट, या कुछ में किसी फ्लॉ है, किसी एक की गलती सबको भुगतनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें इसकी भी यही डिसएडवांटेज रहती है, राइट। तो बेसिकली क्या करना होता है, कभी भी वर्टिकल इंटीग्रेशन से पहले देखना होता है कि आप कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, किस कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि जो टूरिज्म बिजनेस है उस पर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ, राइट। तो पर्टिकुलर अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में 1991 तक हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे, राइट। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। हम कोशिश करते थे कि हमारा सारी जरूरत जो है इकोनॉमी की, जो हमारी पॉपुलेशन को जरूरत है वो हमारी कंट्री से ही पूरी हो जाए, राइट। बट 1991 में इस समझा गया कि ये पॉसिबल नहीं है, हमें अपने ट्रेड को, हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा। तो 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, मुझे पता है आपको ये स्टोरी पता होगी, राइट। तो हम उस टाइम वो एलपीजी वाली स्कीम लेकर आए थे, जिसका मतलब था एल फॉर लिबरलाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, ग्लोबलाइज्ड हो गई, कोई भी किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हो सकती है, और इंडिया की कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश हो सकती है, राइट। तो उसका बेसिक पर्पस क्या था कि आप लिबर्टी दे रहे हो सारी कंपनीज को, फ्रीडम, कैपिटलिज्म को लिबर्टी दे रहे हो कि आप अपना काम करो। उससे क्या होता है, जितनी ज्यादा कंपनीज आएगी उतना ज्यादा एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी लोकल्स को या कंट्री लोगों को, तो उससे इंप्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ में क्या होगा, एक कैपिटलिज्म को जो फ्रीडम मिलेगा, राइट, तो ग्लोबली जो भी ग्रोथ होगी वो ग्लोबली होगी, सबकी सबके साथ होगी, राइट। सो इस बेसिकली टूरिज्म का इसमें क्या लेना देना है, बेसिकली तो अगर इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें तो एक जरूरी चीज है कि हमारे सारी कंट्रीज के अंदर लिबरलाइजेशन हो और ग्लोबलाइजेशन हो, राइट, ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। जैसे जैसे मैं कल भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी वुमन को सऊदी अरेबिया जाना है, राइट, और सऊदी अरेबिया अपने स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करता है कि हाँ हमारे कल्चर में हिजाब पहनना नेसेसिटी है तो आपको पहनना ही पड़ेगा, राइट, सपोज करो, तो वो क्या हो गया, वो वहां पे अपनी ग्लोबलाइजेशन, वो अपनी अपनी इकोनॉमी अलग चीज है, राइट, बट अपनी सोसाइटी को ग्लोबलाइज नहीं कर रहे हैं वो बाहर के, वो गलत है, सही है, मैं नहीं कह रहा, इट जस्ट सिंपली कि वहां पे ग्लोबलाइजेशन कल्चर के बेस पे नहीं है। इंडिया में पब्लिक अफेक्शन इलीगल है, राइट। बाहर मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्री में पब्लिक अफेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, उनके लिए वो कॉमन सी चीज है। तो वो भी एक हिंड्रेंस पैदा करता है इंडिया के एक टूरिज्म, एक डेस्टिनेशन है, और परसीव्ड इमेज के ऊपर कि इंडिया में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं हम गलती से कुछ ऐसा हो गया, राइट, कुछ, बिकॉज टूरिस्ट जब जब तक अनअवेयर होता है वो क्या करता है, वो फियर करता है ऐसी सिचुएशन से और अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशन को। तो टूरिज्म को बेनिफिट कब होगा, जब कंट्रीज जो होगी वो लिबरलाइज्ड होगी और ग्लोबलाइज्ड होगी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, पहली चीज की ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ती है, इंडिया से टूरिस्ट बाहर जाएंगे, बाहर के टूरिस्ट इंडिया आएंगे, राइट, तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक मोबिलिटी आएगी, राइट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सिर्फ टूरिज्म में ही नहीं, टूरिस्ट का ही नहीं, एक होटल है, होटल में अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और होटल को पता है कि जो इंटरनेशनल, जो मेरा 5 स्टार होटल है और जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो एक हाई क्लास के हैं, राइट, वो एक लग्जरी सर्विस प्रेफर करते हैं, तो जो इंडियन होटल कंपनी है उनको एक्सपेंसिव कार्स
इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट, एक्सपेंसिव सर्विसेज जो इंडिया में नहीं मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट से लानी पड़ेगी, तो वो इंपोर्ट भी होता है, वैसा ही एक्सपोर्ट भी होता है, तो लिबरलाइजेशन से ये फायदा रहता है। तो इससे एक तो मोबिलिटी बढ़ती है, दूसरा जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बढ़ता है, राइट, वी डू नॉट नो मच अबाउट चाइना की चाइना में क्या हो रहा है, बिकॉज हमारे हमारे दोनों कंट्री के या ग्लोबल ग्लोबल पूरे वर्ल्ड और चाइना के बीच की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसमें फ्री फ्लो नहीं है। इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है बेसिकली, कि टेररिज्म बढ़ेगा, राइट, कुछ हद तक टेररिज्म बढ़ेगा और कल्चरल इरोजन होगा, राइट। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि सब सब लोग एक ही कल्चर, जो कल्चर डोमिनेट कर रहा है रेस्ट ऑफ कल्चर्स को, सारे लोग उसी कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमें पता है, अभी हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, राइट, आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी भी रूरल एरिया में चले जाओ, आपको वहां की मेन सिटी में डोमिनोज के आउटलेट मिल जाएंगे, केएफसी के आउटलेट मिल जाएंगे, राइट, तो वहां पर ऑथेंटिक कुजींस कम होंगे आपको, वो जो ग्लोबली जो फास्ट फूड के फूड चेन्स है वो आपको मिल जाएगी। वो किसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट का हो या उस किसका बेसिकली इफेक्ट है, तो वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो टूरिज्म है उसके किस किस फील्ड पे, अभी हमने डिसिप्लिन देखे कि सिर्फ सोशल कल्चरल एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल, इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री के, पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और कुछ नेगेटिव भी पढ़ेंगे। तो पहला है सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, राइट, जैसे कल हमने पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, तो आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो कि अगर कोई टूरिस्ट अच्छी चीज सीख रहे हैं, अगर लोकल कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं टूरिस्ट से, टूरिस्ट कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं लोकल से, दोनों चीज, राइट, बोथ फेज है ये, तो वो क्या हुआ, एक पॉजिटिव चीज हुआ, राइट। अदर हैंड साथ में क्या होगा, जब टूरिस्ट आएंगे वो इकोनॉमी को, इकोनॉमी अपनी नॉलेज वो एजुकेट करेंगे लोकल्स को, उनको देखकर लोकल्स इंस्पायर होंगे अच्छी चीजों में कि अच्छा इनके अंदर इतनी ओपननेस है, हम भी इतने ओपन क्यों नहीं है, राइट, ये इन चीजों को नहीं मानते, हम इन चीजों को, हम इन स्टीरियोटाइप्स को क्यों मान रहे हैं, राइट, तो उससे भी क्या होगा, एक लाइफ जो लोकल की लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। जो लोकल के पास अपने कल्चर था, जैसे हमने कल वो स्टेज ऑथेंटिसिटी पढ़ा, राइट, कमोडिफिकेशन पढ़ा अपने कल्चर का, तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, राइट। जो क्राफ्टमैन्स थे, जिनके प्रोडक्ट बहुत रेयरली प्रोड्यूस होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं, अब जब टूरिस्ट आएंगे तो वो उनके प्रोडक्ट एज अ सुवेनियर परचेज करेंगे, तो उनकी बिक्री होगी, जो आर्किटेक्चरल है, ट्रेडिशन है, वो सब कुछ बेसिकली क्या कहने का मतलब क्या, जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव इम्पैक्ट यही चीज है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नेगेटिव भी इम्पैक्ट कर सकता है कि टूरिस्ट से लोकल कुछ बुरी चीज ना सीख ले, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएंगे लोकल्स के, टूरिस्ट को देख के, राइट, क्राइम रेट बढ़ जाता है जब जहां टूरिज्म आता है, राइट, सेक्स वर्कर, ड्रग अब्यूज, ये सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, राइट। इसके अलावा सोशल कल्चर में एक लास्ट क्या हो गया आपका, कि जो आपकी लैंग्वेज बैरियर है, राइट, वो में बेसिकली लैंग्वेज बैरियर होना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ, नेगेटिव जो लैंग्वेज बैरियर है वो क्या कर सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बेसिकली है कि जब भी किसी डेस्टिनेशन की जो भी कैरिंग कैपेसिटी है, जब वो एक्सीड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो डैमेज इन्वायरमेंट को होगा वो परमानेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये तो है, कोई भी टूरिस्ट किसी भी जगह जा रहा है तो वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो कर ही रहा है, राइट, बट कोशिश क्या, जैसे हमने कल वो इको टूरिज्म पढ़ा, कि कोशिश होनी चाहिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। बट हाँ, अगर टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन कैरिंग कैपेसिटी के लिमिट में ही आता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो होते हैं वो रिकवरेबल होते हैं, वो टाइम के साथ रिकवर हो जाते हैं, बट अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो तो जो डैमेज होते हैं वो परमानेंट होते हैं एनवायरमेंट पर, राइट। तो आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी वो है, आपने मार्केट लीकेज के बारे में, इकोनॉमी लीकेज के बारे में पढ़ा होगा, बेसिकली इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे बेसिकली, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जब किसी जगह पे
टूरिज्म इंट्रोड्यूस होगा, या तो वो एम्प्लॉयर बन जाएंगे, अपने अपनी कंपनियां कंपनीज खोलेंगे, कोई अट्रैक्शन का खोल दिया राइट, कोई ट्रैवल एजेंसी खोल दी, कोई जो भी वहाँ एक्टिविटी होती है, सपोज वहाँ पैराग्लाइडिंग होती है तो पैराग्लाइडिंग के इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग परचेज करके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो राइट, ऑल दीज थिंग्स। ऑन द अदर हैंड या तो एम्प्लॉयर बन गए या आप एम्प्लॉई बन जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी वहां पर, तो उससे क्या होगा, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोकल का, थ्रियोटिकली बढ़ेगा राइट, क्योंकि अभी कई ऐसी रिसर्च जो कहती है कि एक्चुअल में बट ये ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट अगेन समझने की बात क्या है कि थ्रियोटिकली वो बढ़ेगा राइट। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पहला तो होगा कि जब टूरिज्म आएगा तो लोकेलिटी जो होगी वहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी राइट, क्योंकि टूरिस्ट के पास ऑब्वियसली बात है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होता है, तो वो पैसे की उतनी महंगी चीजों की उतनी चिंता नहीं करते, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अपने प्राइस हाई कर लेते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या आता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। जब ये तो हुई परचेज की इन्फ्लेशन, फिर अब लैंड एक्सपेंसिव हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो टूरिज्म की एक डेस्टिनेशन हो गई है, तो वहाँ एक होटल ज्यादा पैसा कमाएगा राइट, तो इन चीजों की वजह से लैंड एक्विजिशन मुश्किल हो जाता है, उनको परचेज करना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं। चलो ये तो एक अलग सा, एक तो सोशो कल्चर फैक्टर आ गया राइट, इकोनॉमिकली क्या आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार क्या होता है, जब कोई डेस्टिनेशन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती है तो वहां पे जो लोकल्स होते हैं, अगर वो रूरल एरिया में कोई डेस्टिनेशन बन रही है तो लोकल्स के पास अभी इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें राइट। तो जनरली क्या होता है, जो बाहर की कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होती है राइट, फॉरेन कंपनीज का मतलब सिर्फ दूसरे देश से नहीं है, जो उस रीजन के बाहर की भी कंपनीज है, सपोज शिमला में कोई नई जगह है जहां पर टूरिज्म डिस्कवर हुआ है, टूरिस्ट अट्रैक्शन डिस्कवर हुई है, तो वहां के लोकल्स गरीब है, गांव के लोग, तो वो तो अपने होम स्टेज नहीं खोल पा रहे, बट कोई बाहर की कंपनी है जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी, चाहे पंजाब की हो गई, हरियाणा कहीं की भी हो गई राइट, या हिमाचल की कहीं की हो गई, तो उन्होंने वहां पे अपनी कंपनी अपनी अपने होटल्स खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, तो उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमी लीक हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं लोकल्स के राइट, पानी यूज हो रहा है लोकल्स का राइट, बिजली वो अगेन वो पावर कट लग रहे हैं लोकल्स को, बट जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर चला जा रहा है, तो दैट वी कॉल इकोनॉमी लीकेज राइट। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी के टूरिज्म पर राइट। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल में ये हमारा टॉपिक छूट गया था तो मुझे ये पीछे से स्टार्ट करना पड़ा, हमने कल यहाँ पर एंड किया था, तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टूरिज्म के साथ एसोसिएट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या पेरिफेरली ही एसोसिएट हो राइट। तो पहली है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां भी स्टार्टिंग में आपको पता होगा, जहां भी स्टार्टिंग में UN लगता है तो उसका मतलब क्या है कि वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसी पर्टिकुलर फिनोमिना पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड पे। तो यहाँ पे UNWTO का मतलब कि जो ये UN की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म के ऊपर बेसिकली। ये 1 November 1971 में एस्टेब्लिश हुई थी, 47 ईयर्स अगो। इवन एक्चुअल में जो उसका नाम है WTO वो 1 November 1975 में डिक्लेयर हुआ राइट। ऑल्दो ये 1947 से एस्टेब्लिश है, इन दैट टाइम इसका नाम था, अब ये एक्चुअल में मेरा पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो ये इसका नाम था, ओ का नाम था IUOTO राइट, IUOTO दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन, आई थिंक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिस ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट राइट। तो 1947 में एस्टेब्लिश हो गई थी, फिर ये ग्रेजुअली इसके इंक्रीज होता रहा राइट। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है, ये WTO की ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी हिस्ट्री, इसकी टाइमलाइन दे रखी कि कैसे इसका सफर लंदन से स्टार्ट हुआ और कैसे ये आज आपके सामने टूरिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की राइट। तो इसकी एक हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना कि कैसे 1970 में ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके 27 September 1970 को राइट
27 नवंबर 1970 को कैसे डिसाइड किया गया कि 5 साल बाद हम इसे WTO बना देंगे और 10 साल बाद हम इसी दिन को एक इंटरनेशनल टूरिज्म डे के तौर पे मनाएंगे। तो 1980 से हमने स्टार्ट किया टूरिज्म डे को मनाना, राइट। तब तक इसका नाम WTO था, राइट। लेटर ऑन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई, अब तो आपको पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो 2004 में इसका नाम चेंज करके UNWTO कर दिया ताकि एक डिस्टिंग्विश डिफरेंस क्रिएट हो सके, राइट। इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो ये एक इंटर यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है। स्पेन कहाँ पर है? साउथ साउथ वेस्ट यूरोप में, राइट। ये बेटर होगा कि अगर आप साथ में एक एटलस खोल के बैठे, अगर आपको कंट्रीज का पता नहीं है तो साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम कंट्रीज पढ़ रहे हैं आप उनको स्पॉट कर सके ऑन द मैप, राइट। इनके जो सेक्रेटरी जनरल है बहुत टाइम से जुरा पोलोली का स्विली है, राइट। ये बहुत टाइम से यही है, पोलोलिकास्विली। ये जॉर्जियन डिप्लोमेट है, जॉर्जिया एक कंट्री है, राइट। मिडिल ईस्ट की कंट्री है, मिडिल ईस्ट की नहीं है, ईस्ट यूरोप की कंट्री है, सॉरी, राइट। इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 158 स्टेट मेंबर है, 6 टेरिटरीज है इसके अंदर, राइट। जो ये टेरिटरीज है ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिश कम्युनिटी कहाँ पर है, पोर्टो रिको एक टेरिटरी क्यों है, पोर्टो रिको एक यूके की, जो यूएसए की एक ओवरसी टेरिटरी है जो कि कैरेबियन आइलैंड में है, राइट। अरूबा कैरेबियन में है, हांगकांग हमारा एशिया में है, ये चाइना के अंडर आता है बट एक ये ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, राइट। और वैसे ही मकाओ भी सेम चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है। जो मडेरा है ये पोर्चुगल की एक आइलैंड, एक आर्किपेलो, आप समझते हो आर्किपेलो होता है कि द ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये आपको पोर्चुगीज के साउथ में मिलेगा, अफ्रीका के नॉर्थ में। तो आप इन सबको मैप में देख सकते हो। तो ये 6 टेरिटरीज है इसके मेंबर और 158 स्टेट्स मेंबर है इसके, राइट। इसके अलावा कुछ 17 ऐसी भी स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले प्रीवियसली वो मेंबर थे बट उन्होंने लेटर ऑन क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया है कि उनके अकॉर्डिंग, चलो ये छोड़ दो कि पुअर मनी की जो साइटिंग है वो मतलब पैसे को ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है, राइट। बहामाज आपकी कैरेबियन कंट्री है, उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। बहरान जो हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसने विड्रॉ कर दिया। बेल्जियम जो हमारी यूरोप की कंट्री है उसने विड्रॉ कर दिया है। तो जो बेल्जियम का जो नॉर्थ रीजन है, बेल्जियम एज अ कंट्री तो UNWTO का पार्ट नहीं है बट जो बेल्जियम का अगर आप नॉर्थ रीजन देखोगे तो उसमें आती है फ्लेमिश कम्युनिटी, राइट। इसको गूगल करना आप उसके बारे में पूरा समझोगे वहां पर, राइट। तो जो ये एज अ कंट्री तो ये पार्ट नहीं है बट इसकी एक कम्युनिटी जो है, एक छोटा सा रीजन जो है वो UNWTO का पार्ट है, राइट। एक टेरिटरी में आता है वो, राइट। कैनेडा आपको पता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इसने भी विड्रॉ कर दिया था, राइट। तो डिफरेंट रीजन, ये सारी कंट्री है जिन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कंट्री कौन से रीजन पे है, राइट। अभी इनको करेंगे तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा। नीदरलैंड्स एंटायल जो है ये इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड का पार्ट था, ये कैरेबियन कैरेबियन आइलैंड्स में है, राइट, कैरेबियन रीजन में है बट अब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज है सारी, राइट। तो ये तो ये इनके परमानेंट मेंबर या इनके बेसिकली हाँ ये इनके परमानेंट मेंबर हो गए। फिर 5 परमानेंट मेंबर इनके 158 है, एसोसिएट मेंबर इनके 6 है और 500 इनके एफिलेटेड मेंबर है। एफिलेटेड मेंबर वो जो प्राइवेट कंपनीज हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, कोई एसोसिएशंस हो गई जो टूरिज्म से रिलेटेड है, कोई लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज हो गई, कोई एनजीओज हो गए, वो सब कुछ क्या है, वो सारे इनके एफिलेटेड मेंबर्स है, राइट। नेक्स्ट इनके रोल क्या है बेसिकली, कि जो हमारा ग्लोबल कोड्स ऑफ एथिक है टूरिज्म के ऊपर, राइट, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एनकरेज करना उनकी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। क्या है ग्लोबल कोड्स ऑफ एथिक? UNWTO ने 10 आर्टिकल दे रखे हैं, राइट, 10 आर्टिकल दे रखे हैं। मैंने इवन के आर्टिकल के नाम कवर कर रखे हैं आगे। तो इन्हें 10 आर्टिकल दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग इनके बेसिकली क्या है कि टूरिज्म ऐसा होना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म होना चाहिए तो वो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए लोकल कम्युनिटी और टूरिस्ट के बीच में, राइट।
इंडिविजुअल और कलेक्टिव फुलफिलमेंट होनी चाहिए टूरिज्म से, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कल्चरल जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो होस्ट कम्युनिटी है उसको डायरेक्ट बेनिफिट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के क्या ऑब्लिगेशन बनते हैं, जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स उनकी क्या ड्यूटीज बनती है, जो टूरिज्म है वो एक राइट होना चाहिए सबके लिए, राइट? सबका अधिकार होना चाहिए टूरिज्म, राइट? जो टूरिस्ट मूवमेंट है वो किसी भी कंट्री में घूमना चाहे उनको उस चीज की लिबर्टी होनी चाहिए, राइट? जो टूरिज्म इंडस्ट्री के वर्कर्स है उनके कुछ राइट है, उनकी बात की है आर्टिकल 9 में, और 10th में क्या है जो ये ग्लोबल कोड्स ऑफ एथिक है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, राइट? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ग्लोबल कोड ऑफ एथिक जो UNWTO ने दिए है, तो UNWTO कोशिश करता है कि वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन आर्टिकल को, एक एक आर्टिकल को थोड़ा पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग यही है, जस्ट थोड़ा डिटेल में दे रखा है। इसके अलावा ये वो हर चीज वही डेवलपमेंट, कॉम्पिटेटिवनेस, इन्वॉल्व इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन स्टडी, ये आप खुद पढ़ सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन रिमेम्बर, दीज आर द 10 ग्लोबल कोड्स ऑफ एथिक्स। तो आप इनको क्लास के बाद पढ़ सकते हो, इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटर है आप इनको UNWTO की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके पढ़िए, राइट? अगेन, की प्रायोरिटीज क्या है कि ग्लोबल एजेंडा है, मेन स्ट्रीम करना है टूरिज्म को, कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ानी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, नॉलेज एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप्स करनी है, राइट? और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, उनके बीच क्या करनी है, उनके बीच पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ये इनके 5 पिलर्स है जो हमने पीछे डिस्कस किया, बस उसी से एसोसिएटेड है, यू कैन स्टडी देम बाय योर ओन, इसमें कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, जस्ट वही चीज हमने पीछे पढ़ लिया। इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक दो साल पहले या शायद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, राइट? सो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, सबसे बड़ी है जनरल असेंबली, राइट? जनरल असेंबली को कौन ऑपरेट करता है, सेक्रेटरेट ऑपरेट करता है। सेक्रेटरेट कहां पे है, मैड्रिड आपका स्पेन में, राइट? जनरल असेंबली कहां पे होती है, सेक्रेटरेट में होती है, हर 2 साल में एक बार, हर 2 साल में एक बार होती है, और हर 4 साल के बाद एक सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी हमारा जनरल होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो पिछले 2 टर्म से हमारे जो ये जुराव पोलो लिकास्की है यही है, राइट? तो यही इनका ही, यही हमारे सेक्रेटरी जनरल है। तो बट ये इलेक्शन कब होते हैं, हर 4th साल होते हैं, राइट? तो ये इसमें ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो डे टू डे जो वर्क होते हैं, जो जो ये 2 साल में डिसाइड करते हैं, हर 2 साल बाद डिसाइड करते हैं कि हम अगले 2 साल ये करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, उसके लिए ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं। वो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है, जो भी बजट सैंक्शन हुआ होता है हमारी असेंबली में, उसको यूज करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, राइट? तो ये साल में 2 बार मीटिंग करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, साल में 2 बार मीटिंग करती है, राइट? एंड अगेन, इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी कंट्रीज होती है वो मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, राइट? हर साल 5 न्यू मेंबर्स चेंज होते हैं, बट जो स्पेन है, क्योंकि वहीं पे हमारा हेडक्वार्टर है UNWTO का, तो स्पेन के पास हमेशा परमानेंट सीट रहती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, राइट? फिर नेक्स्ट है कमेटीज, जिनका सारा काम, जो सारा काम है वो कौन करती है, वो कमेटीज करती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती है। तो बजट के लिए अलग कमेटी होगी, फाइनेंस के लिए अलग कमेटी होगी, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं टूरिज्म के, राइट? जो टूरिज्म स्टैटिस्टिक अकाउंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो टूरिज्म स्टैटिस्टिक अकाउंट है ये कौन देता है, तो ये हमारा एक्चुअली ये इकोनॉमिक फोरम देता है, राइट? सो आई थिंक ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक फोरम को स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करने में, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स की एक अलग से इससे मैं कंफर्म कर दूंगा। इस कंफर्म से मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में आपने मुझसे पूछा था कि जो कोहेन थे, उन्हें जो ये टूरिज्म टाइपोलॉजी दी थी, तो ये कब दी थी, तो इन्होंने 1970s में दी थी। पर्टिकुलरली कहे, इन्होंने अपने पेपर पब्लिश करने 1970s में कर दिए थे, तो 1972 अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है तो आप 1972 करना, राइट? तो तब जो हमने वो पढ़ा था कल, ड्रिफ्टर, एक्सप्लोरर, इंडिविजुअल मास टूरिस्ट, ग्रुप मास टूरिस्ट, राइट? तो सब कुछ ये किसने दिए थे, ये कोहेन ने दिए थे। कब दिए थे, 1972 में दिए थे,
राइट, वैसे ही मैं ये स्टैट जो टूरिस्ट स्टैटिस्टिक अकाउंट है, मुझे याद आ रहा है कि इकोनॉमिक जो फोरम है वो देता है, राइट, फिर मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जितने भी काम होते हैं वो सारी कमेटीज करती है, तो मार्केटिंग के लिए एक अलग कमेटी है, कॉम्पिटेटिवनेस के लिए अलग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग कमेटी बनाई है, तो वैसे वैसे ये सारी कमेटीज जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर काम करती है, राइट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आयटा, राइट, दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राइट। 1945 में ये फाउंड हुई थी, राइट। जैसे कि मैं आपको कल भी बता रहा, फर्स्ट क्लास में आपको बता रहा था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुई, तो जितना भी सारा वो एयर 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, जितने पायलट्स थे, जितने एयरप्लेन्स थे, जितने एयर स्ट्रिप्स थी, एयरपोर्ट थे, वो सारे क्या हो गए, एक एक ही मोमेंट में क्या हो गए, यूजलेस हो गए, राइट। तो उनको कमर्शलाइज करने की बात उठी, तो जब उन्हें कमर्शलाइज किया गया, तो उन फ्लाइट्स को मैनेज करना, कंट्री टू कंट्री उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी की जरूरत पड़ी, तो फिर ये इंटरनेशनल जो बॉडी इंट्रोड्यूस हुई, आईटा। ऑल्दो इसकी जो एक जिसका प्रिसेसर था वो 1919 से वर्किंग पे था, राइट, बट जो ये मॉडर्न जो आपके पास आईटा है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1945, राइट। आज के टाइम पे 2016 का डाटा है, तो 290 एयरलाइंस इनके अंडर है, जो कि 117 डिफरेंट कंट्रीज से आती है, तो 82% ऑफ ऑल एयर ट्रैफिक जो है वो आईटा के मेंबर्स का है, राइट। तो 82% जितनी भी एयरलाइंस है वो आईटा की मेंबर है। इनका हेडक्वार्टर, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में है, राइट, और इनका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब ये 1919 में फाउंड हुई थी, तो ये इनका ऑफिस नीदरलैंड में था। इनकी फोकस एरिया क्या है, सेफ्टी, एक तो मेक श्योर करना जितनी भी एयरलाइंस है, जितनी भी एयरलाइन, जितना भी एयर ट्रैफिक हो रहा है उसकी सिक्योरिटी मेक श्योर की जाए, कि कैसे कम से कम एयर क्रैश केसेस आए हमारे पास, और कैसे कैसे ज्यादा कंफर्ट बढ़ाया जाए, ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, कम से कम हाईजैक हो, ठीक है, ये सारे जो थ्रेट्स हैं इनको रिड्यूस किया जाए और उसकी सेफ्टी को बढ़ाया जाए। तो आपको पता है आज सबसे सेफेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको एयरलाइन को ही सबसे सेफेस्ट, एयरवेज एयर ट्रांसपोर्टेशन को ही सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो सेफ्टी इनका एक फोकस एरिया है, सिंप्लीफाइंग द बिजनेस, राइट, कि सबको आसान हो जाए एयर ट्रैवल करना, राइट, एक्सेसिबल हो जाए। तो सेफ्टी के लिए इनका एक ऑडिट आता है, आईटा ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट, राइट, OIOSA, राइट। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो आईटा की वेबसाइट में, इफ यू वांट टू स्टडी। तो ऑडिट का बेसिक क्या है, बेसिकली कि कैसे सेफ्टी को मेंटेन किया जाए, राइट। और सिंप्लीफाइंग द बिजनेस क्या हुआ, कि कैसे लोगों को आसान से आसान बनाया जाए, उनका टिकट लेना, उनका ट्रैवल करना बेसिकली, राइट। उसके लिए ई टिकट इंट्रोड्यूस कर दिए, बारकोड इंट्रोड्यूस कर दिए, जो आपका बोर्डिंग पास मिलता है बिफोर यू। देखो टिकट अलग होता है, अगर आपने फ्लाइट में सफर किया तो आपको पता है, राइट, ऐसे भी पढ़ा होगा कि टिकट अलग होता है और बोर्डिंग पास अलग होता है। बोर्डिंग पास आपको फ्लाइट जो आपकी पर्टिकुलर जो आपका एयर कैरियर है जिसमें आपको जाना है, उसके लिए आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। टिकट होता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, उसकी कंफर्मेशन, राइट। तो सेल्फ सर्विस बैगेज ऑप्शन, तो ये सारा क्या है बेसिकली, इनका फोकस क्या है कि जब बिजनेस है उसको सिंप्लीफाई करना है। देन एनवायरनमेंट, ये आपको अब हर ही ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको एक फोकस मिल जाएगा कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, राइट। यूएन की तो आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा ये, राइट। उनके अपने क्राइटेरियाज है, हम ऐसे ऐसे तेल को मतलब एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे, इतना नेट एविएशन कार्बन एमिशन 2050 तक हम 50% रिड्यूस कर देंगे विद कंपैरिजन टू 2005। तो ये क्वेश्चंस भी एक्चुअल में कई बार आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस सिंपली ऐसे आ जाते हैं कि इसमें इनमें से कौन कौन से जो सेंटेंस है वो सही है, राइट। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कि 50% रिड्यूस तो करना है एविएशन कार्बन एमिशन 2050 में, बट किसके रिलेटिव में। तो हो सकता है 1990 दिया हो, आप 1990 कर दे, तो आपको याद रखना चाहिए कि 2005 के लेवल पे करना है, राइट। कई जो हमारे जो रिड्यूस रिडक्शन है, पेपर 1 में आप इसको एनवायरमेंट में पीपल एंड डेवलपमेंट में ऐसे पढ़ लोगे, राइट, तो मोस्ट ऑफ जो कंपैरिजन होता है वो 1990 के बेस पे होता है, कि 1990 के रिस्पेक्ट में हम इतना इतना एमिशन कम कर देंगे,
राइट right. बट यहाँ पे क्या है 2005 की बेस में कहा है कि हम 50% रिड्यूस करेंगे. नेक्स्ट है सर्विसेज को इम्प्रूव करना. राइट जो उनके एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करना, उनको उनको कंसल्ट करना. एंड लास्ट है पब्लिकेशन. तो आईटा बहुत सारी पब्लिकेशन करता है, जो दो मुझे इम्पोर्टेंट लगे. फर्स्ट इज आईटा DGCA, दैट इज डेंजरस डेंजरस गुड रेगुलेशन. डेंजरस गुड्स रेगुलेशन. एंड द सेकेंड वन इज टेमेटिक. तो डेंजरस गुड रेगुलेशन तो यहाँ पर है आपकी, ये एक नौ ऐसी गुड्स है जो आप एयरलाइंस में अगर आपको ले जानी होती है राइट तो आपको पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं ये चीज ले जा रहा हूँ राइट. कस्टम में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, बैगेज चेकिंग के टाइम पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. तो ये एक्चुअल में सारे स्टिकर्स ही है. तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो वो जो आपका बैगेज होगा उसमें इन स्टिकर्स को लगा लेते हैं बेसिकली राइट. ये बेसिकली स्टिकर्स मेन नहीं है, मेन क्या है कि आप जो कैरी कर रहे हैं लोगों एयरलाइन को पता हो कि आप क्या ले जा रहे हो राइट. तो इनका भी पता होना चाहिए. पूछ सकते कि सेवंथ जो डेंजरस रेगुलेशन में सेवंथ पे क्या आता है, तो क्या आता है रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो आते हैं. सिक्स पे टॉक्सिसिटी आते हैं जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं राइट. फर्स्ट पे एक्सप्लोसिव आते हैं, सेकंड पे फ्लेमिंग फ्लेमेबल गैसेस आती है. तो ये सब कुछ आप एक बार देख सकते हो राइट. इसके अलावा जो हमारा ये टेमेटिक था, टेमेटिक बेसिकली क्या है, ये हमारा हो गया बेसिकली जितनी भी एयरलाइंस है जितनी भी कंट्रीज है, तो किसी टूरिस्ट को किसी आदमी को किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो सिंपली टेमेटिक में दे सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है ठीक है. किस कंट्री में उसको किस कंट्री में किस कंट्री के लिए वीजा जरूरी है नहीं है राइट. वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, ई वीजा मिलेगा या रेगुलर वीजा मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा, कौन सा मिलेगा. तो सब कुछ एक ही मैनुअल में आपको मिल जाता है जो आईटा प्रोवाइड करता है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एयरलाइंस होती है, उन एक्चुअल में उनके लिए होता है उनको इजीली समझने के लिए, उनको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो सिंपली देख सकते हैं कि अच्छा ये रेगुलेशन है राइट. तो जितनी भी नेशनल रेगुलेशंस होती है वो सारे कवर करते हैं ये, और उसे एक उसका एक मैनुअल बनाते हैं ताकि एयरलाइंस को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. नेक्स्ट जो आईटा का एक मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज आईटा कैसे ऑपरेट करता है. आईटा बेसिकली जो अर्थ है हमारी इसको तीन ट्रैफिक कॉन्फ्रेंसेज में डिवाइड कर देता है, T1, T2 एंड T3 राइट. तो जो T1 है हमारा, जो आपका TC1 भी कहते हैं इसे राइट, जो आपका TC1 है उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बेसिकली आता है राइट. ये दो ही कॉन्टिनेंट्स आते हैं. जो आपका T2 और T3 का डिवीजन है ये हमारा प्रोडोमिनेंट सारा का सारा यूरोप, सारा का सारा अफ्रीका, कुछ पोर्शन हमारा एशिया का T2 में रह जाता है राइट. तो कोई आपसे पूछे कि कजाकिस्तान किस में है, तो वो T3 में है, बट ईरान किस में है, T2 में है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन कहां से गुजरती है राइट. तो इंडिया किस में आया, T3 में आया. सारा ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब कुछ T3 में आया. नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ACAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आईटा है वो एक नॉन प्रॉफिट बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की एसोसिएशन है राइट. तो जितनी एयरलाइंस है वो इकट्ठे आके उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, इसका नाम है आईटा राइट. बट और जो जितनी भी एयरलाइंस वो क्या है, वो प्राइवेट है राइट, या प्राइवेट नहीं है तो बेसिकली वो क्या है, वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है राइट. एसोसिएशन जो है आईटा वो तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, बट जो उसके मेंबर्स है वो सारे प्रॉफिट सीकिंग है राइट. बट ऑन दी अदर हैंड जो ACAO है हमारा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है राइट. तो इसके जो मेंबर्स है वो कोई एयरलाइंस नहीं है, इसके जो मेंबर्स है वो कौन है, वो कंट्रीज है बेसिकली. जो भी UN के मेंबर्स है, 193 जो मेंबर्स है, वही एज अ कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इसमें, रेदर देन किसी एयरलाइन से रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं राइट. तो इसमें कंट्री के जो डिप्लोमेट होते हैं वो इसके मेंबर्स रहते हैं, वो इनकी जनरल असेंबली में बैठते हैं. इसकी फॉर्मुलेशन हुई थी 1947 में, 4 अप्रैल 1947 में, 75 ईयर्स बिफोर. और दोनों का ही आसान चीज क्या है कि आईटा और ACAO जो दोनों एविएशन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है राइट.
जो इनकी फॉर्मुलेशन हुई थी अकाउंट, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो, आप सिंपली विकीपीडिया में जा सकते हो, वहां पे आपको ज्यादा बड़ा बड़ा दिख जाएगा। राइट, मैंने वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लिया है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये इनकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें क्या है बेसिकली कि जो ये ICAO है, ये क्या है, इसमें 193 जो नेशनल गवर्नमेंट है, आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हो कि ICAO इज अ फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय 193 नेशनल गवर्नमेंट टू सपोर्ट देयर डिप्लोमेसी एंड कॉर्पोरेशन इन एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड सिग्नेटरी स्टेट्स टू शिकागो कन्वेंशन 1944। राइट, तो शिकागो कन्वेंशन हुई थी 1944 में, अगेन वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब नेसेसिटी जरूरी हुई कि अब एयरलाइन तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट ये रेगुलेशन कैसे बनाए, कैसे इसको सेफ और सिक्योर बनाए, कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को अलाउ करे। राइट, तो शिकागो कन्वेंशन पहली एविएशन से रिलेटेड कन्वेंशन थी। राइट, इसके अंडर ही हमारे वो जो फ्रीडम ऑफ एयर है, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे अभी सिलेबस जो पर्टिकुलर हमारा एविएशन से रिलेटेड आएगा तो हम उसको वहां पढ़ लेंगे। राइट, जो वो फ्रीडम ऑफ एयर थे, चार फ्रीडम ऑफ एयर थे, वो डिसाइड किए गए थे। राइट, लेटर ऑन वो 9 बन गए। तो जितनी भी सिग्नेटरी बॉडीज है, इनिशियल टाइम में तो सिग्नेटरी बॉडीज सिर्फ 54-51 के, सबसे पहले देखो मैंने अलग से शिकागो कन्वेंशन का स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो बेसिकली इसमें क्या था, जब ये 1944 में जब कन्वेंशन हुई थी तो उस टाइम 54 नेशंस इसमें बैठे थे, जिसमें से 51 ने इस कन्वेंशन में साइन कर दिए थे। राइट, अभी इंडिया भी इसका मेंबर है। राइट, आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान अब सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसके बहुत टाइम तक अपना एयर स्ट्रिप बंद रखा था इंडिया के लिए, तो इंडिया को बाहर से घूम के आना पड़ता था। राइट, इंडिया जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो पाकिस्तान का लैंड है, इसको इसका एयर स्पेस हम यूज नहीं कर सकते थे। राइट, तो हमें यहाँ से घूम के आना पड़ता था अगर हमें ईरान, इराक या किसी भी यूरोप में जाना होता था। राइट, और सेम इंडिया ने भी क्या, इंडिया ने भी पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो जो ये टॉपिक था, जो ये एयर स्पेस बंद करने वाली बात थी, क्योंकि हम दोनों सिग्नेटरी है शिकागो कन्वेंशन के। राइट, तो ये वाली जो बात थी ये यूएन में गई थी कि ऐसा ये हो रहा है। राइट, पाकिस्तान ने इंडिया की कंप्लेंट की थी कि उन्होंने एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर रखा है। राइट, ऑल दीज थिंग्स। तो ये इसके बोलने का मतलब क्या है, ये इस चीज के लिए है कि जब नेशन कंट्रीज के बीच में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है तो अकाओ देखता है कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। राइट, अगेन यू कैन स्टडी दिस ऑल। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, That is PATA, that is Pacific Asia Travel Association, right? तो जो विलियम जे मुलेह थे, ये पैन अमेरिकन एयरवेज जो थी, राइट, उनके आई थिंक फाउंडर्स थे। राइट, आई एम नॉट श्योर, बट उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट थे। उन्होंने सबसे पहले ये जो पैसिफिक एशिया था, रीजन था हमारा, राइट, पैसिफिक एशिया, अगर इफ यू आस्क, तो जो ये सारा रीजन है हमारा यहाँ का पैसिफिक, ये हो गया राइट पैसिफिक एशिया रीजन। तो इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि वेस्टर्न में टूरिज्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, डेवलप्ड स्टेज पर है। राइट, बट यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का, तो इसीलिए इस स्कोप को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर हमारी हवाई एक ओवरसी टेरिटरी है यूएसए की, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था PATA, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। राइट, और आज आपको पता है ये एसोसिएशन, आज आपको पता है कि जो आप सबसे बड़ी जो ट्रेवल मर्जिंग इंडस्ट्री है वो पैसिफिक एशिया का ही है। अब इसे हम इंडो पैसिफिक रीजन भी कहते हैं। राइट, तो अभी जो सबसे बड़ी इमर्जिंग जितनी भी आपको टूरिज्म की इकोनॉमी मिलेगी, कंट्रीज मिलेगी, वो आपको सारी इसी रीजन में मिलेगी। तो इन्होंने ये पोटेंशियल इनका ऑब्जर्व किया, इसीलिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कब? 1951 में। राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप एसोसिएशन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू फ्रॉम एंड विद इन द एशिया पैसिफिक रीजन। राइट, कि बेसिकली इस रीजन में टूरिज्म को एक्सप्लोर किया जाए, बढ़ाया जाए। करंटली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक, जो कि कैपिटल किसकी है? थाईलैंड की।
जो हमारी पीएटी है वो अपनी एजुकेशनल कोर्सेज चलाती है, राइट, इंस्टीट्यूट से इनके अपने इंस्टीट्यूट्स में मैन पावर को स्किल करती है, राइट. तो ये बहुत एक्टिव एसोसिएशन है हमारे इस पर्टिकुलर रीजन की. नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल. तो जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल है, ये भी एक बहुत एक्टिव एसोसिएशन है टूरिज्म की, एक एक्टिव काउंसिल कहेंगे, राइट, एक बहुत एक्टिव काउंसिल है. 1990 में ये फाउंड हुई थी. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्री है. इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, राइट. जो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, राइट, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता रहा था कि अभी 2021 का डाटा आया है, उसमें पूरे वर्ल्ड में 427 मिलियन टूरिस्ट ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया. तो 427 इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हुए 2021 में. तो ये जो डाटा है, ये भी कहाँ से लिया था मैंने, WTTC की रिपोर्ट से ही लिया था, राइट. तो ये अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए फेमस है. दूसरी चीज, इसके थोड़ी हिस्ट्री अगर जाने तो 1980s में ही इसकी इंसेप्शन हो गई थी. अमेरिकन एक्सप्रेस के सीईओ जेम्स टी रॉबिन्सन का ये आइडिया था बेसिकली, राइट. उन्होंने 1980s में समझा कि जो ये इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसे उस समय नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री समझा जाता था, राइट. तो इस इंडस्ट्री का डाटा इकट्ठा करना जरूरी है. वो एक इम्पॉर्टेंट, ये एक इंडस्ट्री आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगी, राइट. तो इनकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी 1989 में. 1990 में इसे ऑफिशियली एस्टेब्लिश कर दिया गया, और 1991 में इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, Washington DC में हुई, जिसमें 32 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट. तो अभी इनके पास जो 200 कंपनीज जो इनके मेंबर्स है, वो हमारा 30% जो हमारी पूरी टूरिज्म की इंडस्ट्री है, जो जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का, उसका 30% इनकी 200 कंपनी से आता है. इनकी कंपनी का मतलब है जो इनके मेंबर्स है, राइट. ये इसके बारे में थोड़ा सा और दे रखा है कि इट इज मेड अप फॉर मेंबर्स फ्रॉम ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी एंड वर्किंग विद गवर्नमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट. अवेयरनेस के लिए है, रिप्रेजेंट करती है प्राइवेट सेक्टर को, और इट्स एक्टिविटी इंक्लूड्स रिसर्च ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल रीजनल समिट फोकस ऑन इश्यूज एंड डेवलपमेंट रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री, राइट. तो रिसर्च रिसर्च के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को, और गवर्नमेंट में अवेयरनेस फैलाने के लिए टूरिज्म से रिगार्डिंग, राइट. हेडक्वार्टर है लंदन में, एस्टेब्लिश हुई थी 1990s में. नेक्स्ट है उफ्टा, दैट इज यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, राइट. 1919 में एस्टेब्लिश हुई थी. इन दैट टाइम इसका नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी, बट लेटर ऑन ये 1996 कहेंगे, राइट, 1996 में ये मर्ज हो गई यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट, तो UOTA एंड IFTAA मर्ज हुई 1996 में. तो उफ्टा का ओरिजिन कब हुआ, 1996 में हुआ, राइट. तो ये तब से बनी है, बिकॉज इसका काम क्या है, बेसिकली जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं उनकी एक फेडरेशन है ग्लोबली, राइट. उनकी एक एसोसिएशन है बेसिकली. 1990 में ब्रसल, ब्रसल किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है, राइट. वहां पे ये एस्टेब्लिश हुई थी. अभी करंटली 30,000 से ज्यादा ट्रैवल एजेंसीज इनकी मेंबर्स हैं फ्रॉम 120 डिफरेंट कंट्रीज. नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एस्टा, ASTA, राइट. दैट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर. इन द बिगनिंग ये 1931 में एस्टेब्लिश हुई. ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी. इन दैट टाइम इसकी फुल फॉर्म, इसकी एब्रीवेशन थी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, राइट. जो लेटर ऑन 1944 में चेंज होकर एडवाइजर हो गई, राइट. तो अमेरिका के कुछ ट्रैवल्स टूरिज्म स्टेक होल्डर्स इकट्ठे आए और उन्होंने इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया 1931 में, राइट. अभी भी ये बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट. जेन कार्बेन के क्या है, सीईओ और प्रेसिडेंट है.
और ये है कहाँ पर, ये वर्जीनिया, जो वर्जीनिया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कौन सी सिटी में, अलेक्जेंड्रिया। ओके सो इफ आई कैन, इफ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, सो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अलेक्जेंड्रिया जो एक कंट्री, एक्चुअल में ये तो हो गई एक सिटी का नाम है जो कि यूएसए में है, राइट। अलेक्जेंड्रिया एक सिटी भी है, एक बहुत एशियंट सिटी है, आपको मुझे मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री की एशियंट सिटी है, राइट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IHRA, इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, राइट। 1947 में ये एस्टेब्लिश हुई, राइट। ये इस एसोसिएशन के मेंबर कौन है, नाम से मतलब लग रहा है कि होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है वो इसके मेंबर है। तो कोई भी अगर बात है जो होटल और रेस्टोरेंट बिजनेसेस को अपनी इंटरनेशनल लेवल पर कहनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है, तो ये IHRA रिप्रेजेंट करता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। इसकी जर्नी 1869 में जर्मनी से स्टार्ट हो गई, राइट। बट ये जो इसका अभी करंट वर्जन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1947 में। करंटली इसमें 4 लाख से ज्यादा होटल और 8 मिलियन से ज्यादा रेस्टोरेंट इसके मेंबर है, और जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है 9,950 बिलियन। नेक्स्ट है टाई, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1951 में हमारे जो अगेन जो इंडियन टूरिज्म स्टेक होल्डर्स थे, उनने महसूस किया कि हमारी एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो ट्रैवल एजेंट्स ने बेसिकली 12 लीडिंग जो ट्रैवल एजेंट्स थे वो इकट्ठे आए और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, राइट। ताकि जो ट्रैवल एजेंट्स की बात है उसको एक यूनिटी मिल सके और उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई, 1951 में। नेक्स्ट है IATO। तो जैसे ट्रैवल एजेंट्स 1958 में इकट्ठे आए, वैसे ही 1982 में टूर ऑपरेटर्स इकट्ठे आए और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा, IATO, राइट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, राइट। तो ये भी सिंपल है, यू कैन स्टडी ऑल दिस कि किस सिस्टम से काम करती है, एवरी मंथ इनकी मीटिंग होती है, यू कैन स्टडी। एंड आई थिंक नॉट लास्ट, वी हैव फ्यू मोर टू गो। नेक्स्ट इज FHRA, राइट। हम आप ये आज हम ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे, राइट। तो जो FHRA, दैट इज फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट। इसको हम कैसे समझेंगे, दिस इज द मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑफ दैट, यू 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 शुड स्टडी दिस। आप एक बार से देख लेना, गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आपको किसी होटल को अगर मेंबरशिप चाहिए होती है, किसी रेस्टोरेंट को अगर मेंबरशिप चाहिए होती है, या किसी को कोई एसोसिएट मेंबरशिप चाहिए, तो क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, कि सेम ही क्राइटेरियाज है, जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है इनके बीच, राइट। बट ये है क्या, ये समझ लेते हैं। तो 1950s में क्या हुआ, जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे वो इकट्ठे आए, राइट। बट वो इकट्ठे कैसे आए, नॉर्थ के होटल रेस्टोरेंट से मिलकर अपनी एसोसिएशन बना दी, वेस्ट के रेस्टोरेंट्स और होटल्स ने अपनी बना दी, ईस्ट के अपनी बना दी और साउथ के अपनी बना दी, राइट। तो इंडिया में 4 डिफरेंट डिफरेंट होटल और रेस्टोरेंट की एसोसिएशन बन गई, रीजनल एसोसिएशन बन गई बेसिकली, राइट। तो इन एसोसिएशन को इकट्ठा करने के लिए 1955 में, 1955 में, 1955 तक ये तीन जो ये नॉर्थ इन नॉर्थ की जो रीजनल एसोसिएशन थी, वेस्ट की जो रीजनल एसोसिएशन थी और जो साउथ की रीजनल एसोसिएशन थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी। हाँ, जो ईस्ट की रीजनल एसोसिएशन थी वो 1961 में आई थी ऑल दो, राइट। बट ये जो चार ही, जो अभी जो हमारा करंट जो हमारे पास प्रेजेंट में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी 4 डिफरेंट रीजनल एसोसिएशन है। ऑल दो जब ये फॉर्म हुई थी 1955 में, उस समय सिर्फ 3 ही थे ये, राइट। तो बेसिकली क्या किया कि ये एसोसिएशन तो यूनिटी के लिए इकट्ठा किया गया, अब इन एसोसिएशंस को भी फर्दर यूनिफाई किया जाए, तो उसके लिए इस फेडरेशन को बनाया गया था। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारी फॉर्म हुई 1967 में। 1967 में फाइनली हमें एक मिनिस्ट्री मिली, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन करके, राइट।
एक अलग से मिनिस्ट्री तब भी नहीं मिली थी, तब भी हम सिविल एविएशन के साथ ही थे, राइट। बट हाँ, मिनिस्ट्री हमें 1967 में मिली थी। 1966 पे आपको पता, आईटा जो हमारा आईटीडीसी की आईटीडीसी की जो फॉर्मेशन हुई थी उसके बाद ये हुआ था, राइट। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो कि कैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हुआ करता था, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, और फिर कैसे इसका सफर रहा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तक आने का, राइट। इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। एनुअल बजट ये 2000 हमें 18-19 का दे रखा है, राइट। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है, किशन रेड्डी है, राइट, ये करंट कैबिनेट मिनिस्टर है। और श्रीपद नायक और अजय भट्ट जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है टूरिज्म के मामले में, राइट। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप वेबसाइट खोल दो, आपको ये 9 कॉलम्स मिलेंगे, ये टूरिज्म का डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रियों के मिनिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम है। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो कि होटल रेस्टोरेंट में क्या क्या कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कर रही है, ट्रैवल ट्रेड में क्या कर रही है, ट्रैवल ट्रेड क्या होता है, राइट। आपको आगे समझ आएगा कि एक ट्रैवल एजेंसी को अगर एफिलिएशन लेनी होती है तो उसको ट्रैवल ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर सकता है, राइट। उसको एक नेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। तो वैसे ही ह्यूमन, आप इन सब कुछ इंडिविजुअली चेक कर सकते हो, राइट। नीश टूरिज्म लिख रखा है, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू कैन आस्क, राइट। सो इसके अलावा जो इसमें मेंशन नहीं है वैसे आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा है, ये यहाँ पे हमारी प्रसाद स्कीम है, राइट। प्रसाद स्कीम वैसे आगे आपके सिलेबस में आ ही जाएगी, बट प्रसाद स्कीम स्टैंड फॉर पिलग्रिमेज रिजुवेनाइल एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, राइट। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको आगे डिटेल में डिटेल से पढ़ ही देंगे, राइट। स्वदेश दर्शन बेसिक चीज एक स्कीम है जिसमें क्या हो रहा है, जो देश जो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो जितनी भी हमारे हेरिटेज है लाइक रेड फोर्ट हो गया, जितने भी हमारे मोनूमेंट्स है उनको क्या किया जा रहा है, उनको जो कॉर्पोरेट्स है उनको अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, ताकि वो उसे अडॉप्ट करके कंजर्व कर ले, और साथ में क्या हो, कॉर्पोरेट का क्या फायदा है उसमें, कॉर्पोरेट की प्रमोशन हो रही है जितने साल के लिए भी वो उसे कंजर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये एक स्कीम रिसेंटली रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से जो मोनूमेंट्स है वो कौन कौन से कॉर्पोरेशंस ने अडॉप्ट कर रखे हैं, राइट। इसके अलावा साथी स्कीम है, तो जब कोविड की सिचुएशन आई थी, राइट, 2019 में किस एंड में और 2020 और 2021 में, तो जो जितने भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए इस उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, साथी स्कीम, दैट स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट। तो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, कोविड सिचुएशन जो हमारे हमने फेस की थी, राइट। निधि स्कीम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, जितनी भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है उनका डाटा एक जगह इंटीग्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पे, उससे रिलेटेड ये एसोसिएट एक स्कीम है। अब नीति प्लस भी आ गया है, राइट, जो हम कल पढ़ रहे थे। तो ये सारी स्कीम कौन ऑपरेट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1966 में ये हमारी एस्टेब्लिश हुई थी, राइट, जो हमारी कोठारी कमीशन थी, सॉरी नॉट कोठारी कमीशन, मैं एजुकेशन पे आ गया, जो हमारी एलके झा कमीशन थी जो 1963 में बनी थी, राइट, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे से एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा तीन ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कल जब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे तो इन्हें फटाफट से पहले पढ़ लेंगे, राइट। अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है तो ये रिटेंशन लेवल भी अब उतना तो स्टेबल नहीं रहता, राइट। सो अगर आपको एक क्वेश्चन है यू कैन आस्क क्विकली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा।
सो आपको समझ आया जो हमने आज पढ़ा? थोड़ा ज्यादा कवर करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि आपको बताया एग्जाम हमारे बिल्कुल, अब इवन जुलाई की नोटिफिकेशन भी आज आ गई है, तो उससे लगता है शायद एनटीए इस बार सीरियस है, तो शायद हो सकता है कि आपके जैसे ने नोटिफिकेशन दे रखी है मार्च की, तो हो सकता है वो सच में एग्जाम करवा दे मार्च में, राइट? तो टाइम बहुत कम है और यूनिट ज्यादा कवर करने के लिए है, राइट? और शायद मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो स्टार्टिंग में कि ज्यादा फोकस रखना है, ज्यादा फोकस पेपर वन पे भी रखना, राइट? क्योंकि पेपर टू हम पढ़ेंगे, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो आप समझो एक वो फाउंडेशन होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग, राइट? अगेन जैसे मैंने कल भी कहा, बाकी जो आंसर्स होते हैं वो आपको एजुकेटेड एजुकेशन गैस से ही लगाने पड़ते हैं, राइट? एजुकेटेड गैस लगाने पड़ते हैं। सो ज्यादा मतलब ज्यादा भी नहीं कहूंगा, दोनों भी जगह फोकस रखो, बट पेपर वन पर भी फोकस रखना, क्योंकि अगर पेपर वन में अगर अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो और अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो या किसी किसी और कैटेगरी से भी हो, अगर आपके पेपर वन में 30 से मतलब 30 क्वेश्चन से कम सही होते हैं, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? सो पेपर वन में भी जोर देना, बाकी पेपर टू तो हम कर ही रहे हैं, राइट? सो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये दो तीन कुछ ऑर्गेनाइजेशन रह गई, हम इसे कल की क्लास में फटाफट से कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। सर क्लोज कर दे क्लास। जी सर, जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके।